हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड शुरू करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्रॉपरली या समझेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेशन देंगे। तो फटाफट टाइम खराब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसको समझने के लिए ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, दो पोजिशन ली थी ए और बी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट था जो कि ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा था अलग अलग पाथ से। देखिए, डिस्टेंस हमको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज ये सब कुछ आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आएगा, आप अटेंटिव होकर सुनिएगा। डिस्टेंस की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। क्या कहलाती है, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इज इट क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ पाथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर जाता है, तो अगर मान लीजिए लेंथ आपको निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो एक्चुअली अगर मान लीजिए वो इस पाथ से जा रहा है तो आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, अगर वो सेकेंड पाथ से जा रहा है तो आपको सेकेंड पाथ की एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और अगर ये zigzag वाले पाथ से जा रहा है यानी पाथ नंबर थर्ड से जा रहा है तो आपको इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी होगी। ध्यान रखिएगा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। इसको मैं हटा देता हूं, आपको मेमोराइज हो गया होगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल यानी डिस्प्लेसमेंट अगर बनना है तो आपको इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में क्या ढूंढना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम आपको टर्म यूज करनी है, ट्रेवल्ड बाय, आप शॉर्टेस्ट के नीचे अंडरलाइन करें, ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगेन मूविंग इज अ इंपॉर्टेंट टर्म, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, हमने डायरेक्शन का भी यूज किया है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये अभी हम लिखेंगे, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज क्लियर है। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो पाथ पर निर्भर करता है। मीन्स हमने जो डायग्राम बनाया था ए बी, क्लियर है, तीन अलग अलग पाथ हमने बनाया फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
अगर मान लीजिए डिस्टेंस की बात करनी है तो आपको इस पाथ पर फोकस करना पड़ेगा, इस पाथ की लेंथ पर, एक्चुअल लेंथ पर फोकस करना पड़ेगा, जबकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वहां पर आपको क्या देखना है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखना है, वही क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख सकते हैं, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन किसकी, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये तीन डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की पढ़ी है। डिस्टेंस की तो कोई डेफिनेशन आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ निकाल लें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ है उसका एक्चुअल लेंथ निकाल लें, वही आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट होने के लिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होगी, किसके बीच की, मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच की। और हम क्या देख सकते हैं, चेंज इन पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन के बीच का डिफरेंस, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, वही हम लोगों ने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन हुई। इसके अलावा दो तीन पॉइंट और हम इसके अंदर नोट करेंगे। देखिए ये पहला पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जो ऊपर लिख चुके हैं इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। और फोर्थ है, या इसको लिखने से पहले हम ये डेफिनेशन आप नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, मैंने जो ऑप्शन वाली डेफिनेशन थी वो हटा दी है। आप यहां सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पॉइंट हमने यहां लिखा है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट के लिख क्या लिखेंगे हम, सॉरी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। फिर आता है फिजिक्स में, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ेंगे, जैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे आने वाले टाइम में आप फोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, इन सब की यूनिट्स भी होती हैं। जैसे इंडियन करेंसी की यूनिट क्या है, रुपए, अमेरिकन करेंसी की यूनिट क्या है, डॉलर, वैसे ही फिजिक्स में जो भी आप नई चीज पढ़ने वाले हैं उसकी यूनिट भी होती है। तो और उस यूनिट को अलग अलग कैटेगरी में, जैसे हम दो हिसाब से पढ़ेंगे, पहली होगी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल, यानी जो एसआई का जो हमारा फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हम डिस्टेंस को किसमें नापते हैं, मीटर्स में, जिसको इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम भी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिफाइन करने का एक मेथड है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब क्या है, सेकेंड। तो यहां पर सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्लियर है। और सेम यहां पर भी यही पॉइंट रिपीट होंगे जो कि आप अपने नोट्स में लिखेंगे,
तो ये आपका डेफिनेशन वाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट उतने ही बेहतरीन होते जाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो, या आप इसको ऐसे लिखें, अ पर्सन इज मूविंग इन अ, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकालिएगा। अ पर्सन इज मूविंग इन अ सेमी सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस आर मीटर, इज इट क्लियर? अ पर्सन इज मूविंग इन अ सेमी सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस आर मीटर फ्रॉम पी टू क्यू, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा सा पिक्चराइज करना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट, ये सेमी सर्कुलर पाथ, क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहां से कहां पे मूव कर रहा है, पी से क्यू की तरफ। देखिए अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो ये एक्चुअल पाथ होगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पी क्यू का लेंथ पता करना होगा, और ये क्योंकि सेमी सर्क्यूलर है तो सेमी सर्क्यूलर होने के कारण हमें इसका सर्कमफेरेंस अगर निकालना होता तो बड़ी आसानी से निकाल लेते, क्योंकि अगर ये सेंटर है सपोज कीजिए सेमी सर्क्यूलर पाथ का, जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस आर आपको दिया हुआ है, गिवन है, क्लियर है? तो ये पी क्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका वैल्यू कितना होगा, पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कमफेरेंस सर्किल का जिसका रेडियस आर हो कितना होता है, टू पाई आर, तो सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा, पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो इसने यही ट्रेवल किया है, कितना हो जाएगा, पाई आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना होता तो आपको क्या निकालना होता, इनिशियल पोजिशन ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजिशन, इनके बीच का डिस्टेंस, क्लियर है? क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कैसे निकालेंगे, अगर ये आर है ये भी आर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है 2 से 3 मार्क्स का। कई बार ये रेशो भी पूछ लेते हैं, अगर मुझे रेशो निकालना होता बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसी क्वेश्चन में, तो वो कितना आता आप चेक करें, डिस्टेंस और रेशो को निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस कितना है, पाई आर एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कि पी क्यू है जिसकी वैल्यू हमने निकाली 2r, तो रेशो कितना हो जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई बाय टू, कितना आ जाएगा, पाई बाय टू, और पाई की वैल्यू आपको पता होता है, पता है 3.14/2, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर है? अगर ये रेशो पूछता तो बाकी हम लोगों से क्या पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो यहां से बिल्कुल क्लियर है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट या जो आपका पर्सन था वो पी से क्यू की तरफ सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आपका पी क्यू होगा, ध्यान रखिएगा। तो पी क्यू निकालने का तरीका, क्योंकि सेंटर से पी से डिस्टेंस आर होगा और क्यू से भी डिस्टेंस कितना होगा आर, तो कितना हो जाएगा आपका ये, ट्वाइस ऑफ आर, क्लियर है? ज्योमेट्री में आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। आप नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को, हम एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे,
देखिए एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिएगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है जबकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा। इसका एक और एग्जांपल देखिए, देखिए मान लीजिए एक पर्सन है जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है पी से, वो पी से ट्रेवल करता 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 वापस कहां पे पहुंचता है, क्योंकि पूरा सर्कुलर ट्रैक वो कवर करता है, वापस कहां पहुंच जाता है, पी पर ही पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहां आपसे पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है फाइनल पोजीशन, मैं इसको पोजीशन को पी लिख देता हूं, नीचे एफ लिख देता हूं, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पी आई लिख देते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ने पी से शुरू किया और पी पर ही पहुंच गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। कितनी आएगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो कितना हो जाता है, ऑब्जेक्ट पी से ट्रेवल करके वापस पी तक जा रहा है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, टू पाई आर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो कितना आ रहा है, जीरो, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना आ रहा है, टू पाई आर। तो एक और आप लास्ट एग्जाम्पल देखें, एक ऑब्जेक्ट इस स्क्वायर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ट्रैक है, ध्यान रखिएगा, ए से स्टार्ट करता है और वापस ए पर पहुंच जाता है। तो अगर मान लीजिए ए से शुरू कर वापस वो कहां पे पहुंच रहा है, ए पर ही पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ए से शुरू किया तो ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पर था और ए पर ही पहुंच गया तो फाइनल पोजीशन भी ए ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो। और डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी होती तो आपको इस पूरे, क्योंकि एक्चुअली इसने इस पूरे ट्रैक को ट्रेवल किया है, तो चार ये, चार ये, चार ये और चार ये, कितना आ जाएगा आपका, 16 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से और आप देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हमने जो एक दो न्यूमेरिकल लिए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। आप नोट्स बनाते हो तो इन सबको नोट कीजिएगा। आज के लिए काफी है।